तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इस वीडियो के। तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो ग्लोब गेमिंग चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना यार अपने दोस्तों को। और वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। ओ यार, ये गब्बर टेरर क्या कर रहे हैं इतने दिनों से अलग अलग? कुछ तो खिचड़ी पक रही है इनकी। और वो एक्सो टेवलैंच और ग्लेशियर मैन भी नहीं देखे उस दिन के बाद। सीन क्या है? लगता है उन्हीं से मिलकर आना पड़ेगा, तभी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। कहाँ जा रहे हो बॉस? ताज़ा खबरें तो सुन लो। वो फैरो अब दोबारा से एवलांचे को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ लेकर गया है और एक नया कांड करेगा वो। करने दे, क्या कर लेगा वो अपना। तू है ना सनी देओल द स्पाइडरमैन, देख लेंगे उसको। चल एक बार पहले गब्बर टेरर सर मिल के आते हैं। पहले मेरी ड्रेस बनवाओ ना बॉस। और अपने बिजनेस का क्या रहा? सोचा कुछ प्लान? तेरी ड्रेस भी बनवा देंगे, और प्लान तो मैंने ऐसा बनाया ना तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने ये सोच कर भी क्या सोच दिया जिससे कोई सोच ही नहीं सकता। चलो फिर, कहाँ चलना है? फैरो सुन यार, पहले तो मुझे ना तेरे साथ करनी है फ्रेंडली फाइट। दोनों लड़ाई करेंगे, देखते हैं, मजा आएगा। तूने भी कभी मेरे जैसे गॉड एक्सूट से लड़ाई नहीं की होगी। हाँ हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। हरा नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ, कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। सही है फैरो बॉस, आज दिखा दो एवलांचे सर को कि आप सबसे पुराने और दमदार सूट हो, सभी एक्स सूट्स में से बेस्ट। सभी एक्स सूट से भी बढ़िया, सभी में तो मैं भी आ गया। और अगर फाइट सीरियस हुई ना हमारे बीच, फैरो को तो मैं एक चुटकी बजाकर ऊपर पहुंचा सकता हूँ। अरे वो मजाक कर रहा है सर, आओ हम दोस्त हैं अब, एक फ्रेंडली मैच हो जाए फिर। बढ़िया फैरो बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं निकला तू। मैं तो सोच रहा था तू बस बातों का ही शेर है, दम तो है तेरे में भी। अरे आप मेरे साथ हो तो क्या गम है, हमें कौन हरा सकता है? ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने आगे टिक पाएगा। ये बात तो सही है यार तेरी, पर करे क्या अब हम साथ में। आप अपने आप को पूरे BGMI का गॉड समझते हो ना, आपके दूसरे वर्ल्ड को छोड़कर। और आप तो फ्यूचर से भी आए हो तो आपको तो पता ही होगा सब कुछ। वेट व्हाट, ये देखो किसने कहा कि मैं फ्यूचर से हूं। क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तो सुना था जब एवलांचे जी और तीन चार लोग पोचंकी के चर्च पे बातें कर रहे थे, फ्यूचर से आया हुआ एक सूट जिसको पता है कि किंग कौन बनेगा, ये सभी बातें चल रही थी उधर। वो फ्यूचर से आया हुआ तो ग्लेशियर मैन था, मैं तो एक्सूट हूं, उसी को पता होगा तुम्हारा किंग विंग। तो बात तो कर रहा था वो किंग बनेगा कुछ। तो इसके सुनने में कुछ दिक्कत हो गई होगी। खैर छोड़ो, लेकिन आपके लिए ना मेरे पास एक चैलेंज है। आप सबसे ताकतवर हो, मैं मान गया, लेकिन आप यहाँ इरेंगल के एक आदमी को नहीं हरा सकते। नूब और व्हाट भाई, मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई नहीं टिक पाएगा मेरे सामने। कौन है वो आदमी? मैं हराऊंगा उसको, चल लेकर चल मेरे को उसके पास। उसका नाम है काला दी गैंगस्टर। मैंने कई बार ट्राई किया उसको हराने का, जब भी वो हारने को होता है बस आखिरी मोमेंट में पता नहीं ऐसी कैसी चाल चल देता है, मुझे हरा देता है वो हर बार। अच्छा ऐसा है क्या, तो चल फिर मिलते हैं उस काले से भी, उसका काल जो आ गया है अब यहाँ। हाँ भाई गब्बर, क्या बात है, आजकल दिखते भी नहीं तुम, अलग अलग रहने लग गए हो, क्या बात है, हमारी हवेली पर मन भर गया क्या तुम्हारा? ऐसी बात नहीं है काला भाई, हमें बस अब कुछ लफड़ों में नहीं पड़ना, अलग रहेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से अपना काम करेंगे और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, बस और कुछ नहीं। बहुत लड़ाई कर ली हमने। तेरा मतलब मेरे साथ रहकर तुम लड़ाइयों में फंसते हो?
मैंने ऐसा कब कहा? एक टाइम था जब गब्बर के सामने भी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। यूपी से हैं, कट्टा भर देंगे खोपड़िया में, समझे क्या? बस टाइम टाइम की बात है, आज जो काला काला करते हैं कल वो भी किसी नए का नाम ले लेंगे। नथिंग इज परमानेंट काला भाई, रियल लव इज हैप्पीनेस। खुश रहो और इंजॉय करो बस। बस बस पगले रुलाएगा क्या? तो ऐसा बोलना, अलग से कहीं मजे से लाइफ रीस्टार्ट करनी है। चल तेरे को एक एड्रेस देता हूँ, मिरामर का एक दोस्त है अपना, उसके पास चला जा और बोलना। रुक, कुछ मत बोलना उसको, बस तू चला जाओ उसके पास, अपने आप सब सेट हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है काला भाई, हमने अपना बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया यहाँ इरेंगल में ही। किस चीज का बिजनेस? हमने नई कंपनी बनाई है BGMI सूट्स, जहाँ एक से एक बढ़िया डिजाइनर सूट बना करेंगे। जहाँ मेरी पुरानी गाड़ी की फैक्ट्री थी उसी जगह पर स्टार्ट किया है, टेरर भी वहीं पर गया हुआ है। क्या बात है, हमें भी एक सूट लेना है। क्या है ना, सनी देओल कल स्पाइडरमैन वाली शॉर्ट मूवी देखाया ग्लॉक गेमिंग की, तब से बोल रहा है उसकी जैसी ड्रेस लूंगा, हम वहीं से लेकर आ जाते हैं फिर। हाँ हाँ जरूर काला भाई, जाओ वहीं मिलेंगे सब। बड़ी मुश्किल से बातों में फंसा कर भगाया है, मुझे पता है ये पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आया था। ओए भूतनी के, वो ड्रेस वहां क्यों रखी है बाहर? तू भूतनी का? तू भूतनी का? तू बोटनी का? तू भूतनी का भी और बोटनी का भी? साले तू गोड जिला का? तू किंग कॉन्ग का? तू शुतुरमुर्ग का? अरे कोई सा तो मेरा भी बन जाओ, पापा पापा बोलने वाला नहीं है कोई। वेल डन, वेल वेल डन। क्या लड़ाई मचा रखी है भाई, ये क्या हो रहा है? स्वागत है काला भाई BGMI सूट्स की फैक्ट्री में। हमने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है विक्टर गैंग के साथ मिलकर। अपने लिए भी ले लो कुछ ड्रेस लेनी हो तो, गन्ना चूस के। पागल है क्या, काला दी गैंगस्टर जैसी ड्रेस न कभी आई है और न कभी आ पाएगी। तू सनी देओल को दिखा, कुछ नया नया माल आया है क्या तेरे पास? मेरे साथ आओ, वो चार सूट रेडी हुए हैं अभी तो, इनमें से देख लो कौन सा अच्छा लगता है। ये वाला तो मस्त नहीं लग रहा मुझे, ये तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा मैं, पता नहीं क्या बना रखा है इसके थोपड़े का। तो ये ठीक ठाक ही है, काम चल सकता है इससे बस। अबे ये तो लड़की का यार, अब लड़की थोड़ी बनूंगा मैं इसे पहनकर। पहन कर देख एक बार, मास्क लगा दिया ना, तुझे पहचान भी नहीं पाएगा कोई, कसम विक्टर गैंग की। नहीं ये मस्त है स्पाइडरमैन जैसी, मुझे तो यही चाहिए बॉस, ये फोर्थ वाली मस्त है बस सबसे। ये मस्त तो है पर लाल रंग का नहीं होता स्पाइडरमैन, इसका तो कलर ही अलग है भाई। एक काम कर देना टेरर, इसका कलर रेड कर दे, यही ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता काला भाई, यही है जो है, लेना है तो लो। दे दो चलेगी ये वाली, यही दे दो। चल फिर तेरी ड्रेस एक्सचेंज करवाते हैं। चलो बहुत सही है, अब सब मस्त लग रही है मुझे ड्रेस। चल ठीक है फिर मिलते हैं, पेमेंट घर से ले जाना, कैश पड़ा है बस अपने पे बहुत सारा। तो दोस्तों आपने आज देखा, काला दी गैंगस्टर पूरी तैयारी के साथ रेडी है अपने चेले को स्पाइडरमैन बनाकर मैदान में उतारने के लिए। अब देखना ये है कब और कैसे ये क्या करने वाला है, जिससे सनी देओल यानी काले का चेला स्पाइडरमैन के रूप में सबके सामने उतरेगा और फेमस होगा। देखने में मजा आएगा अवेंजर्स का घिसा पिटा एपिसोड BGMI में स्पाइडरमैन सनी देओल। तो मजे लेते रहना और देते रहना। अबे तूने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया, पूरा आउट्रो तो करने देता, मजे देते रहना बोला था मैंने, और क्या ही देंगे लोग यार, चल जल्दी कैमरा ऑन कर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपसे,
मैं रिपोर्टर ब्लड रिवन कैमरामैन मैचा के साथ यही ग्लो गेमिंग चैनल पर। जय हिंद, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चल अब बंद कर दे कैमरा। अबे सुनना मैचा, तू ही बोल दिया कर पापा मुझे। साले भाग क्यों रहा है, रुक जा, हर महीने रॉयल पास दूंगा फ्री में। बस पापा ही तो बोलना है मुझे, भूतने के तेरी बहन को नमन। रुक जा बे, कहाँ जाएगा भाग के। सो गाइज, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और हमारे ग्लो गेमिंग चैनल को कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। और हाँ, इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कौन सा कैरेक्टर आपको मस्त लगता है वो भी हमें बता देना, और अपने जो सजेशन होते हैं उनको भी कमेंट करके जरूर बताना है आपको। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और भी अपडेट्स के लिए। वीडियो लेट क्यों आएंगी, वीडियो कब आएगी, तो उसके सारे अपडेट्स जो भी रहते हैं इंस्टाग्राम पर, और फेस रिवील भी अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो इंस्टाग्राम पे हो चुका है, मैंने फोटो डाल रखी है, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो जरूर से कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।